हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे जानेंगे इलेक्ट्रिक गीजर अगर खराब हो जाता है तो उसकी रिपेयरिंग कैसे करते हैं। बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से इस वीडियो में दिखाया गया है, बताया गया है। एक गीजर खराब है उसको रिपेयरिंग करके अगर आप ये जानना चाहते हैं इलेक्ट्रिक गीजर को कैसे बनाते हैं तो इस वीडियो को ए टू जेड कंप्लीट पूरा ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। उसके बाद आपके मन में किसी भी तरह का डाउट सवाल सुझाव होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक गीजर है जो बजाज कंपनी का है। यहाँ पे इसके अंदर पावर सप्लाई लाइन हमारा आ रहा है, जो इंडिकेटर है रेड कलर का पावर का वो जल भी रहा है, पर हीटिंग का इंडिकेटर नहीं जल रहा है, पानी गर्म नहीं हो रहा है। अगर इस रेगुलेटर को घुमा रहे हैं, ऑन ऑफ कर रहे हैं तो कभी कभी जल भी जा रहा है, और ऐसे मोस्टली देखा जाए तो ज़्यादातर ये नहीं जल रहा है, जिसकी वजह से पानी हमारा गर्म नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है वो हम चेक करेंगे और इसे सही भी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे स्क्रू है, इस स्क्रू को हमें खोलना होगा। दो स्क्रू है, दोनों स्क्रू को खोल लेंगे और उसके बाद इसके कवर को हटाएंगे। ये दूसरा स्क्रू है, इसको भी हम यहाँ पे खोल लेते हैं स्क्रू ड्राइवर से। और उसके बाद यहाँ पे इस कवर को हटाने से पहले लाइन ज़रूर बंद करेंगे और टॉप को निकालेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्विच ऑफ करेंगे, नहीं, टॉप बिल्कुल निकाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, निकालते हैं, ये निकाल रहे हैं, थोड़ा सा हमारा रोक रहा है जहाँ पे स्विच है लोहाई करने का, इसे निकाल देते हैं। इस स्क्रू को खोल भी लेते हैं, क्या पता इसी से कहीं लॉक हो, लेकिन ये लॉक नहीं होता है इस स्क्रू से। लेकिन कुछ जगह पे आपको ऐसा भी मिलेगा कि आप अगर इस स्विच का स्क्रू नहीं खोलेंगे तो कवर नहीं खुलेगा, और कितना फ्री भी होता है। तो यहाँ पर हम स्क्रू को खोल लेते हैं, यहाँ पे एक लॉक भी होता है, उस लॉक का वो भी देखेंगे, लॉक भी हो सकता है। हाँ, लॉक ही है, देखिए ये लॉक है ना, दो लॉक है हमारा, दोनों इंडिकेटर के सामने है, ये देखिए खुल गया, ठीक है। ये स्विच का स्क्रू खोलने का ज़रूरत नहीं था, फिर भी हमने रिक्स नहीं लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो स्विच है यही हमारा काम नहीं कर रहा है, सबसे पहले हम इसी को ठीक करने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि जब इसे घुमा रहे हैं इससे पावर सप्लाई आउट ही नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो वायर है इस वायर को हटा लेंगे। सबसे पहले इसमें से एक ये जो है टेम्परेचर के लिए गया है, जो हमारा एलिमेंट होता है ना, जो टंकी होता है, ये अंदर गया है, इसको निकाल लेते हैं। यही टेम्परेचर मेजरमेंट करके हमारा कट ऑफ होता है, यानी हीटिंग होने के बाद ऑफ कर देता है इस स्विच को। इस वायर को खींच लिए, अब ये स्विच हमें बदलना पड़ेगा, ये हमारा ख़राब है। अब यहाँ पे हम इस स्विच को रिपेयर करेंगे, लेकिन हम आपको यही कहेंगे, अगर आप बिल्कुल नए हैं और नॉलेज नहीं है तो आप जाइए इलेक्ट्रिकल शॉप पे, जहाँ पे स्पेयर पार्ट मिलता है वहाँ से इस स्विच को लीजिए और एक नया स्विच लीजिए और बिल्कुल बदल दीजिए, टेंशन फ्री हो जाइए, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे कुछ नॉलेज इसकी रखते हैं, तो यहाँ पे खोल रहे हैं, या तो जल जाता है या तो कार्बन आ जाता है, तो इसमें कार्बन है तो कार्बन को हम सही कर देंगे, जो सरेस पेपर होता है उससे साफ कर देंगे। अगर जल जाता है तो बदलना ही पड़ता है। यहाँ पे हम खोल लेते हैं, पूरा पार्ट अलग अलग खोलना पड़ेगा, तब जाके बिल्कुल लास्ट में निकलता है जो पॉइंट कनेक्ट होता है, फिर वहाँ पर सरेस पेपर हम लेंगे और सरेस पेपर से इसको साफ कर लेंगे। जैसे यहाँ पे ये निकल गया, देखिए ये काला हो चुका है जो पॉइंट कनेक्ट होता है, बस इसी पे हम सरेस पेपर लेंगे और सरेस पेपर से ये साफ कर लेंगे एकदम बिल्कुल साफ। तो साफ कर लिए ये, इसी तरह से जो दूसरा वाला पॉइंट है उसको भी साफ कर लेंगे, यानी जो भी कनेक्टिविटी पॉइंट है हम एक बार यहाँ पे साफ करके, और सेम उसी तरह से हमें कस लेना है जिस तरह से हम खोले हैं, बस याद रखना हो। इसीलिए मैंने बोला, अगर बिल्कुल आप नए हैं तो आप रिपेयर करें नहीं, आप नया स्विच लगा दें, और आप सीखना चाहते हैं तो एक दो बार खोलेंगे बंद करेंगे तो खुद नॉलेज हो जाएगा, थोड़ा एक्सपीरियंस ज़रूरी है। बिल्कुल नए में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको होगा सेटिंग के लिए। यहाँ पे हम फिर उसी तरह से कस रहे हैं जिस तरह से खुलेगा, थोड़ा ध्यान दे करके खोलेंगे और ध्यान दे करके कस लेंगे, ये सही हो जाएगा। सिर्फ हमारा कार्बन था, अगर यही पॉइंट जल गया रहता तो मुझे बदलना ही पड़ता, कोई चांस नहीं था। तो यहाँ पर स्क्रू को हम कस लेते हैं और कस के हम एक बार चेक करेंगे सबसे पहले, उसके बाद ही इसका फाइनल कवर बंद करेंगे। फाइनल कवर बंद करने के बाद कंटिन्यूटी टेस्ट लेंगे, और ये जल रहा है ना इंडिकेटर, इसी तरह से ये भी जलना चाहिए, देखिए जल रहा है, यही ख़राब था पहले, ये नहीं जलता, हम चेक करते तो, या ख़राब रहेगा तो ये नहीं चलेगा,
तो यहाँ पे फाइनली हमारा सही है। तो ये जो है इसको थोड़ा सा हम सीधा कर लेते हैं, बहुत से में स्क्रू रहता है, लेकिन ये क्या किया है, ये पत्ती का ही बनाया है लॉक कर देने के लिए। तो यहाँ पे इसे हम लगा देते हैं इसके अंदर लगा करके, और फिर उसी तरह से थोड़ा थोड़ा मोड़ना होगा, तो स्क्रू ड्राइवर से भी हम यहाँ पे मोड़ सकते हैं, इस तरह से लॉक हो जाएगा। अब बहुत से में स्क्रू देता है, बहुत से में रिपीट कर देता है कि आप रिपेयर भी नहीं कर पाइएगा। ये हमारा रेडी है, अब चलिए इसे हम लगाते हैं गीजर में, और गीजर में लगाने के बाद हम चेक करते हैं। तो गीजर में सेम बस दो वायर था हमारा, दोनों वायर को क्या करेंगे इसके अंदर लगा देंगे। अगर ये वायर इधर का उधर चेंज हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी ध्यान रहे कि कोई फर्क नहीं पड़ना है अगर इधर का उधर वायर चेंज हो जाए तो, दो है तो। अब यहाँ पे स्क्रू भी कस लेंगे स्विच का, और उसके बाद इसका जो टेम्परेचर के लिए ये है जो मेजरमेंट करता है, इसको अंदर डाल देंगे, और पूरा डालेंगे, ऐसा नहीं कम थोड़ा सा नहीं, पूरा एकदम डालेंगे, ज़रूरी है। ये इसके अंदर हमारा जा रहा है, अंदर गया, और उसके बाद ये हमारा ऊपर एक पत्ती में लॉक था, लॉक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे इसे बंद करेंगे, बंद करने से पहले इंडिकेटर है, इंडिकेटर को भी लगाना पड़ेगा, लास्ट में हम लगा देंगे। सबसे पहले इसके अंदर से हम कुछ मटेरियल निकाले थे जो हीटिंग के लिए, पीवीसी जो है ना उस पे हीट नहीं हो, गले नहीं, उस लिए लगाया जाता है, उसको हमें लगाना होगा। तो सबसे पहले हम उसको लेंगे, तो यहाँ पर एक बार हमें चेक भी करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लाइन देंगे, देख लेंगे सही है कि नहीं है, उसके बाद इसको फाइनल बंद करेंगे। ये हमारा ग्रीन कलर का हीटिंग का इंडिकेटर भी जल रहा है, ये सही हो गया। अब यहाँ पे पानी आप चेक कर सकते हैं थोड़ा देर चला करके, और उसके बाद आपको बंद करना होगा। तो हम यहाँ पे चेक कर लिए हैं, पानी गर्म हो रहा है, फिर हमने पावर को ऑफ़ कर दिया है। पावर ऑफ़ करने के बाद यहाँ पे लेंगे इसके अंदर, ये जो एक बार हम निकाले हैं इसको इसके अंदर डालते हैं, और डालने के बाद अच्छी तरह से पूरी तरह से डाल देंगे। ये हीटिंग के लिए होता है ताकि हमारे वायर पे डैमेज नहीं हो या पीवीसी बॉडी पे डैमेज नहीं हो। उसके बाद यहाँ पे कवर को लगाएंगे, और कवर को लगाने के बाद इसे बंद करेंगे सेम उसी तरह से जिस तरह से हम स्क्रू दो खोले थे, उस दोनों स्क्रू को यहाँ पे हम कस लेंगे। कसने के बाद फिर इसे हम चालू कर देंगे। दो स्क्रू है, एक स्क्रू कस लिए, इसी तरह से फिर दूसरा स्क्रू है, दूसरे स्क्रू को भी हम यहाँ पे कस लेते हैं। ये फिटिंग हो गया, अब इसके अंदर हम लाइन दे देंगे। लाइन देने से पहले ये जो है रेगुलेटर का ये नॉब यहाँ पे लगा देते हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर हम लाइन देंगे और उसके बाद चेक करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर लाइन दे देते हैं और देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा दोनों इंडिकेटर जल रहा है, हीटिंग भी यानी हीट भी हो रहा है और पावर सप्लाई भी चल रहा है। यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान देना होगा, थोड़ी देर बाद हीटिंग का ऑटो कट हो करके इंडिकेटर ऑफ होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो दुर्घटना हो सकती है, कभी भी जबरदस्ती उसको चालू मत कीजिए, वो ऑटो कट होना चाहिए। जैसे थोड़ी देर बाद मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे हमारा ऑटो कट हो गया है, इस तरह से ऑटो कट होना चाहिए, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रिक गीजर की रिपेयरिंग आप कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।